मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में बुधाराम का पूरा गांव निवासी रामहे 3 दिनों से दिखाई नहीं दिया था। इस कारण आसपास के लोग उसकी पत्नी रीना से पूछताछ करने लगे थे। पहले तो वह चुप लगा जाती थी, फिर थोड़ा रुककर बताती थी कि काम के सिलसिले में मुरैना से बाहर ग्वालियर गए हुए हैं। जब उससे पूछा जाता कि रामहे ग्वालियर से कब आएगा, इस पर वह बेरुखी से जवाब देती, पता नहीं कब गया, हमें तो कुछ बताया ही नहीं। रामहित के दोस्त ने कहा, अरे मुझे भी कहां कुछ बताया था, अचानक आधी रात को उठा और जाने को तैयार हो गया। रीना बोली, गजब का मर्द है, उसके लायक यहां काम नहीं था क्या, जो परदेश में चला गया, वहां क्या कमाएगा, क्या खाएगा और क्या बचाएगा, ये तो वही जाने। रीना बोलती हुई तेज कदमों से घर आ गई थी। अभी वह चौखट लांघी ही थी कि उसके ससुर ने आवाज लगाई, अरे बहू सुनती हो, रामहेत का कोई फोन आया क्या? नहीं अभी नहीं आया, उस बेशर्म का फोन आएगा तब सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। लो देख लो, ये कहकर हाथ से पकड़े मोबाइल को अपने ससुर तुलाराम की ओर बढ़ा दिया। अरे बहू तुम तो नाराज हो गई, मुझे तो चिंता हो रही है, ग्वालियर जाने से पहले वह मुझसे मिला तक नहीं, पता नहीं क्यों। तुलाराम बोला, मैं तो जाने से पहले बोली थी बाबूजी का आशीर्वाद ले लो, लेकिन वह अपनी मर्जी का मालिक जो ठहरा। होली आने वाली है, तुम भी उसे फोन कर लिया करो। तुलाराम बोला, मैं क्या करूं, उसे फोन कर कर के थक गई हूं, उसका मोबाइल फोन हमेशा बंद बताता है तो कभी टों टों करने लगता है। रीना बोली, अपने भांजे सूरज को बोल वह ग्वालियर जाकर पता कर लेगा, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, अब उसे क्या कहूं, तुम ही जाकर देखाओ, कहीं पोहे का ठीहा लगाता होगा या मजदूरी कर रहा होगा, हरामखोर कमीना इंसान है, इतनी बेरुखी से क्यों बोलती हो, गाली तो मत दो, तुम्हारा पति है। तुलाराम जब भी रीना से रामहेत के बारे में बातें करता तो वह चिढ़ जाती थी। तुलाराम समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, फिर वह यही सोच कर चुप जाता था कि मियां बीवी के बीच की आपसी बात है। तुलाराम जाटव को आशंका थी कि उसका बेटा घर छोड़कर कहीं चला गया है। वह तब और परेशान हो जाता था जब उसके दिमाग में बात आती थी कि रामहेत किसी गलत काम धंधे में तो नहीं लग गया। कई महीने से काफी उलझन में दिख रहा था, वह जहां भी जाता अपने बेटे के बारे में पूछता था, एक तरह से वह उसकी तलाश करने लगा था, उसके दोस्तों से पूछताछ करने लगा था, किंतु वे भी रामहेत के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे। तुलाराम को रामहेत के बारे में मालूम करने की हर कोशिश नाकाम रही। तब वह थकहार कर मुरैना के स्टेशन रोड थाने जा पहुंचा। वह SHO रविंद्र कुमार से मिला। तुलाराम ने बताया कि उनका 35 वर्षीय बेटा रामहेत जाटव उर्फ लल्लू 23 जनवरी 2023 से घर नहीं लौटा है। वह पत्नी रीना से काम के सिलसिले में ग्वालियर जाने की बात बोला था। उसे लेकर चिंता इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसका फोन भी नहीं आया है और उसका फोन बंद आ रहा है। तुलाराम की शिकायत और जानकारी के आधार पर थाने में 26 जनवरी 2023 को पुलिस ने रामहेत की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कर ली। SHO रविंद्र कुमार ने इस सूचना से SP आशुतोष बागरी और एडिशनल SP राय सिंह नरवरिया समेत SP सिटी अतुल सिंह को अवगत करा दिया। इसके लिए एक टीम बनाई गई। तुलाराम से मिली जानकारी से पुलिस इतना तो समझ ही गई थी कि बाकी की जानकारी रामहेत की पत्नी से मिल सकती है। SHO ने रीना को तुरंत थाने बुलवाकर उससे रामहेत के बारे में पूछताछ की। इसी सिलसिले में पुलिस ने उसका और रामहेत का मोबाइल नंबर लेकर सर्विलांस पर लगा दिया। रीना पहले तो उसी तरह जवाब देती रही जैसा पड़ोसियों और अपने ससुर को दे चुकी थी। उसकी पति के प्रति बेरुखी दिखाने वाला जवाब सुनकर पुलिस को उसके चरित्र को लेकर संदेह हुआ। यहां तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव भी पुलिस को अजीब लगा। पुलिस ने बातचीत के दौरान ये भी महसूस किया कि रीना को पति के लापता होने की कोई चिंता नहीं थी। उसके साथ जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तब उसने जो सच्चाई उगली उसमें अनैतिक संबंध की कहानी उजागर हो गई और रामहेत के बारे में भी जानकारी मिल गई। SHO ने रामहेत और उसकी पत्नी रीना के मोबाइल नंबर लेकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाए। कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पता चला कि रीना एक नंबर पर सबसे ज्यादा बातें किया करती थी, जिस दिन 23 जनवरी 2023 को रामहेत घर से काम पर जाने की कहकर लापता हुआ, उस दिन भी रामहेत के नंबर से उस नंबर पर काफी लंबी बात हुई थी। उस नंबर की जांच हुई तो वह रामहेत के ठीक बगल में रहने वाले सूरज का निकला, जबकि वह पड़ोस में रहता था और वह उसे मामी कहकर बुलाता था। पुलिस सूरज को भी उठाकर थाने ले आए।
जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तब उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए रामहित के साथ घटित मामले का सच उगल दिया। रीना और सूरज के बयानों के आधार पर रामहित के बारे में चौंकाने वाली जो जानकारी मिली वह इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बुधिराम का पुरा में रहने वाले तुलाराम जाटव का छोटा परिवार था। वह अपनी गरीबी के कारण बेटे रामहित को पढ़ा नहीं पाया था। जवान होने पर वह मेहनत मजदूरी व छोटे मोटे काम करने लगा। समय रहते उसकी शादी मुरैना में ही शहनाई गार्डन निवासी रीना से हो गई थी। शादी के कुछ साल पंख लगे सपने की तरह कैसे उड़ गए पता ही नहीं चला। उसका खर्चा तब बढ़ गया जब वह एक बेटे और दो बेटियों का पिता बन गया। रीना भी महत्वाकांक्षी थी, वह जब तक पति से पैसे मांगती रहती थी। पैसे नहीं मिलने पर पति से झगड़ने लगती थी, कुछ समय में ही पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। जबकि रामहित पैसे की तंगी से परेशान रहता था, परेशानी का समाधान नहीं निकल पा रहा था। इसी दौरान तनाव में वह शराब पीने लगा था। धीरे धीरे यह आदत बन गई थी। शाम को अक्सर शराब पीकर घर आने लगा था, जबकि उसकी जेब खाली रहती थी। घर लौटने पर इसी बात को लेकर पत्नी से उसकी कहा सुनी हो जाती थी। माँ बाप के बीच होने वाली कलह से बच्चे भी तंग आ गए थे। दिन प्रतिदिन उन दोनों झगड़े बढ़ गए थे। शराब के नशे में रामहित रीना की पिटाई तक कर देता था। एक दिन रामहित ने रीना की इस कदर पिटाई कर दी कि उसकी कलाई की चूड़ियां टूटकर कलाई और हथेली में चुभ गई, खून निकल आया। वह भागी भागी पड़ोस में रह रहे सूरज के पास चली गई। सूरज ने उसके हाथों से खून निकलता देख तुरंत डिटॉल लगा दी। जब वह वहां से चलने को हुई तब सूरज ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, मामी थोड़ी देर यहीं बैठो, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब चली जाना। नहीं, छोटी बेटी को दूध पिलाना है, रीना बोली और अपने घर चली आई। बिछावन पर लेटी बेटी को उठा लिया और दूध पिलाने लगी। हरामजादी कहाँ गई थी, अपने यार के यहाँ, रामहित गालियां बकता हुआ रीना को पीटने लगा। इसी बीच उसे तुलाराम की आवाज आई। वह बोले, आज फिर तू पी कर आया है, कमाता धमाता तो है नहीं, उल्टे बहू पर मर्दांगी दिखाता है, हरामखोर कहीं का। पिता की डांट भरी आवाज सुनकर रामहित के हाथ रुक गए थे। पास में ही उसकी बिरादरी का युवक सूरज जाटव रहता था। वह रीना को मामी कहकर बुलाता था। रीना उसकी एक तरह से मुन्हा बोली मामी थी। दोनों के बीच मिलना जुलना होता रहता था। वह अक्सर रीना को पति से पिटने से बचाता था। उस रोज भी रीना के पास आ गया था और रामहित से झगड़ा नहीं करने को समझाने लगा। उसकी सलाह सुनकर रामहित और ज्यादा भड़क गया। रामहित ने उसे रीना से दूर रहने के लिए बोला, ज्यादा रीना का हिमायती बनने की जरूरत नहीं है, देख रहा हूँ कि तू उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तो सूरज रीना का हमदर्द बना हुआ था, लेकिन रामहित की बातों से उसे महसूस हुआ कि वह उसे गलत नजरिए से देख रहा है। रामहित की यह बात उसके दिमाग में उमने घुमने लगी। रीना भले ही साधारण सुंदर थी, लेकिन शरीर में मादकता थी। चलने पर कमर लचकती थी, जब मेकअप कर लेती थी तो साड़ी ब्लाउज में वह बहुत ही अच्छी दिखती थी। सूरज और रीना देवी की उम्र में वैसे तो 10 साल का अंतर था, लेकिन रीना की उम्र 20-22 की अलहड़ युवती की तरह दिखती थी। वह सूरज से काफी घुली मिली थी, बाजार का काम उसी से करवाती थी, इस कारण दोनों में अच्छी पत्ती थी। अतः दोनों हर तरह की बातें काफी देर तक करते रहते थे। उनके बीच हंसी ठिठौली भी होती रहती थी। मजाक में सूरज को छेड़ती हुई कह देती थी कि वह शादी कब करेगा। जवाब में सूरज भी मजाक में बोल देता कि उसके रहते शादी की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रीना शर्मा जाती थी और फिर वह रीना की तारीफ के पुल बांध देता था। उसकी जवानी की कसम खाता हुआ उसका हाथ चूम लेता था। ये सब रीना के दिल को भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे कर रीना भी अपने दिल की बात सूरज से करने लगी थी। उसने एक दिन मजाक में बोल दिया कि अगर वह उसकी बराबर उम्र की होती वह उससे शादी कर लेती, लेकिन ये बात सच थी कि रीना पति से किसी भी तरह से खुश नहीं थी। रीना इस बात को लेकर भी बेचैन रहती थी, उदास भी रहने लगी थी। एक बार सूरज ने उसकी उदासी का कारण पूछा। रीना बात को टालती हुई सिर्फ इतना ही कह पाई थी कि वह अभी कुंवारा है, इसलिए उसकी उदासी का कारण नहीं समझेगा। जबकि सूरज इतना भी ना समझ नहीं था कि रीना की उदासी का कारण नहीं समझे। उस रोज उसने रीना के दोनों हाथ पकड़ लिए थे और भावुकता से बोला था, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मुझसे तुम्हारा दर्द नहीं देखा जाता। ये कहना था कि रीना उसके गले लग गई। सूरज उसका पीठ सहलाते हुए उसे लेकर कमरे में चला गया।
जब रीना उससे अलग हुई तब सूरज ने उसे चूमना शुरू कर दिया। रीना ने भी इसका विरोध नहीं किया। फिर रीना के हाथ भी सूरज के अंगों पर घूमने लगे। दोनों के शरीर में वासना की आग भभक उठी थी, लिहाजा उन्होंने अपनी हसरतें पूरी कर ली। नए रिश्ते से रीना को बहुत संतुष्टि मिली, मन को तृप्ति मिल गई। सूरज की बलिष्ठ बाहों से जब वह अलग हुई तब शर्माती हुर्री अपने कपड़े सहेजने लगी। वह कुछ बोलती इससे पहले ही सूरज ने उसे एक बार फिर होंठ चूम लिए। बोला, तुम खुद को अकेला मत समझना। सूरज के दिल को तसल्ली मिली कि वह कल तक जिसे प्यार भरी नजरों से देखता था उसने उसकी भावना को समझा। उसके बाद रीना और सूरज अक्सर रात के अंधेरे में भी मिलने लगे। मामी भांजे का इश्क बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह पाया। एक रात रामहेत ने रीना को सूरज के कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया। उसके आते ही रामहेत ने उसके बाल खींचते हुए पिटाई कर दी। रीना की चीख सुनकर सूरज उसे बचाने आ गया। उसे भी रामहेत ने डांट कर भगा दिया। सूरज सहम गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुछ दिनों तक सूरज और रीना का प्यार सूना रहा, वे नहीं मिले। लेकिन मर्यादा लंघ चुकी रीना सूरज कोई उपाय निकालने के लिए बोली, जिससे वे हमेशा के लिए साथ हो जाएं। रीना को पता था कि उसके सूरज के साथ संबंध को लेकर भी रामहेत उसकी पिटाई करता है। सूरज भी समझ गया था कि रामहेत उसके और रीना के संबंध के आड़े आने वाला पत्थर है। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने रीना से बात की। रीना एक झटके में बोल पड़ी, इस पत्थर को ही हटा देते हैं, बस तुम साथ देना। 20 जनवरी 2023 की रात थी। जब रामहेत घर आया तब वह नशे में मदहोश था। रीना रामहेत से कुछ नहीं बोली। उसने अपने बेटे को आवाज लगा दी कि पापा से कहे कि खाना खा लें। इसे रामहेत ने अपनी तौहीन समझा और तिल मिला गया। उसने रीना के साथ गाली गलौज शुरू कर दी, हरामजादी तूने मुझसे खाने के लिए नहीं कहा, अभी तेरी खबर लेता हूँ। इतना कहते ही रामहेत ने रीना को धुन डाला। इसके बाद वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में पड़ी चारपाई पर बेसुध होकर पसर गया। इस पिटाई ने आग में घी का काम किया। रीना पति से और भी घृणा करने लगी। रीना को पहले ही सूरज की सहमति मिल गई थी और फिर इस घटना के बाद वे अपनी योजना को सफल बनाने के लिए एकजुट हो गए। 23 जनवरी की रात को भी पत्नी की भावनाओं से अनजान रामहेत शराब के नशे में चूर होकर अपने घर आया था। भांजे के प्यार में पागल हुई रीना ने उस रोज पिता को डांट लगाई, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हो, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि अगर आज के बाद दारू पी कर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगी तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं दारू पीऊँ या कुछ भी करूँ, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली। खुद तो कुतिया सी बेशर्म बनी फिरती है, पता नहीं कितने मर्दों के साथ रात बिता चुकी है, एक को तो मैं ही जानता हूँ। बकवास बंद कर, मैं तुझे भी जानती हूँ और तेरी औकात भी। तू एक नंबर का दारूबाज है, मुझ पर लांछन लगाता है। मैं सूरज से प्यार करती हूँ और हाँ, अब उसी के साथ रहूंगी। ये सुनते ही रामहेत तैश में आ गया और रीना को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नशा अधिक होने के कारण लखड़ा कर गिर पड़ा। निथल्ला कहीं का, तेरी इतनी हिम्मत जो दारू पीकर मुझ पर हाथ उठाए, रुक अभी तुझे मजा चखाती हूँ। रीना बिफरती हुई बोली और उसकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। उसी से सूरज को फोन कर बोली, अच्छा मौका है आ जाओ, आज इसे ठिकाने लगा ही देते हैं। फोन सुनकर सूरज तुरंत छत के रास्ते से रामहेत के घर में आ गया। सूरज ने रामहेत को दबोच लिया और उसका गला कसकर दबा दिया। उसने हाथ पैर चलाए तो रीना ने कसकर पकड़ लिए। रामहेत ज्यादा विरोध नहीं कर पाया और उसकी वहीं मौत हो गई। तब तक करीब आधी रात हो चुकी थी। भांजे के साथ पति की हत्या करने के बाद सूरज रामहेत की लाश को कंधे पर लाद कर अपने घर की छत पर ले गया, जहां से उसने लाश को घर के पीछे फेंक दिया। उसके बाद दोनों चुपके से रात के अंधेरे में घर से फावड़ा लेकर निकले। रामहेत की लाश को घर के पिछवाड़े से उठाया और सरसों के खेत में ले जाकर दफना दी। इसके लिए रीना और सूरज ने मिलकर करीब 3 फुट गहरा आयधा खोदा था। लाश को उसमें डालकर खेत समतल बनाकर पति को दफना दिया था। इसके बाद दोनों वापस घर लौट आए। उन्हें उम्मीद थी कि रामहेत की हत्या एक पहेली बनकर रह जाएगी और वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन रामहेत के मोबाइल फोन से रीना द्वारा सूरज को फोन करने की गलती भारी पड़ गई। मुरैना में रामहेत मर्डर केस की खबर क्षेत्र में फैल चुकी थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने सूरज और रीना की निशानदेही पर पुलिस ने सरसों के खेत से रामहेत की लाश बरामद कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ग्वालियर भिजवा दिया गया।
पुलिस ने रामहेत की गुमशुदगी का मुकदमा ग्वालियर मुरैना में पति का मर्डर के दोनों आरोपियों को पुलिस ने भादमवी की धारा 302, 201, 120 बी 34 में निरुद्ध कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से रीना को ग्वालियर जेल की महिला सेल में उसकी एक वर्षीय बेटी के साथ और सूरज को मुरैना जेल भेज दिया गया। केस की जांच SHO रविंद्र कुमार कर रहे थी। रीना देवी के प्यार में मरा गया रामहेत की हत्या की कहानी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित।